वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस। मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी कि आप हमें ये ड्रेस बनाकर दिखाएं, तो आज मैं ये आपको ड्रेस बनाना सिखाती हूँ। ये ड्रेस जो बनी हुई है ये 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनी हुई है, लेकिन अब मैं जो ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी आपको वो मैं 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनाकर दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने ये कलर स्कीम सेट की है, ये देखिए, ये मैंने येलो की जगह ये मैंने लेमन कलर है, ये लाइट येलो है, उसके बाद ये ग्रीन कलर और ये थोड़ा मेजेंटा कलर है। आपको जो कलर स्कीम अच्छी लगे आप वही सेट कर सकते हैं। और इसके बनाने के लिए ये मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। मैं 5 नंबर के गोपाल जी की चोली मैंने जो बनाई है उसको मैं आपको पहले समझाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर कान्हा जी की मैंने चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 16 चेन लिए। 16 चेन लेने के प्लस मैंने 3 चेन लिए। 3 चेन इज इक्वल टू ये मेरी ये पूरी की पूरी 19 चेन होगी। 19 चेन जैसे 16 चेन का मैंने 16 डबल क्रोशिया बनाया प्लस 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारे पास टोटल ये 17 डबल क्रोशिया हो गया। 17 डबल क्रोशिया, ये राउंड 1 में हमारे पास 17 डबल क्रोशिया हैं। राउंड 2 जब हमने बनाया तो एवरी चेन स्टिच में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, 2-2 बार। तो इस तरह हमारे पास राउंड 2 में ये 34 डबल क्रोशिया हो गए। राउंड 3 जब हमने बनाया फर्स्ट में और लास्ट में हमने 1-1 डबल क्रोशिया बनाया, और एवरी चेन में हमने ये फर्स्ट चेन में हमने 2-1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशिया, थर्ड में 1 टाइम डबल क्रोशिया, फोर्थ में 1 टाइम डबल क्रोशिया, ये जो है मेंशन किया मैंने। इसी तरीके से मैंने ये अपनी पूरी रो कंप्लीट की है। इस तरह मेरे पास ये टोटल 44 डबल क्रोशिया हो गए। 44 डबल क्रोशिया को जब मैंने 5 भागों में जब मैंने बांटा राउंड 5 में, तब मैंने पहले में 6, दूसरा 10, तीसरा 12 और ये 10, फिर 6, इस तरह से मैंने ये डिवाइड किया है। इस तरह ये मेरा 24 डबल क्रोशिया। इसको मैंने बनाया कैसे, ये मेरे पिछले पोर्शन में 6 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर उसके बाद ये बाजू वाले जो हैं ये मुझे स्किप करने हैं, उसके बाद फ्रंट में मेरे 12 डबल क्रोशिया, फिर ये 10 स्किप करके फिर लास्ट में मैंने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह मेरे पास ये टोटल डबल क्रोशिया हो गए 24। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 नंबर के कान्हा जी की चोली बना रखी है। यहाँ पर ये मेरे यहाँ के और ये पीछे के मिलाकर दोनों साइडों के मेरे पास ये 24 डबल क्रोशिया हो गया। ये 5 नंबर कान्हा जी की चोली है, इसलिए मैंने इसको ये जो ये वाली रो फोर्थ रो के बाद ये मैंने 5th रो एक बार और बनाई है सेम, ये मेरे पास 24 डबल क्रोशिया है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहती हूँ। ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि फ्रंट कौन सा है या हमारे पास बैक कौन सी है, कई बार ऐसे भी हो जाता है, लेकिन इसका सबसे ईजी तरीका है इसको देखने का कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। ये जो हमने यहाँ से चेन स्टिच स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमारी चेन ही आनी चाहिए। ये जो चेन वाला पोर्शन है इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ये फ्रंट साइड है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने अपना चोली कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। अब मैं अपना आगे का वर्क स्टार्ट करूँ, इसको मैं यहाँ से ज्वाइंट कर दूँ। ये मेरी चोली कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये जो फर्स्ट मैंने ये यहाँ पे 3 चेन बनाई थी यहीं पर, ये देखिए, ये जो 3 चेन बनाई है यहाँ पे मैं लास्ट में जाके अपनी तीसरी चेन में यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरी चोली तैयार है। अब हम अपना आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, ये तीन चेन हमने बना ली है। अब हमारा घेरा स्टार्ट होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमने पहला तो ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया, उसके बाद यहाँ से ये जो नीचे से हमारे ये दूसरा जो वाला जो डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे निकालते हुए हम ऐसे ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। इसको हम ये
इसका फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है इस डिज़ाइन के अंदर, ये जो नीचे से हमने निकाल कर ये डबल क्रोशिया बनाया उसके जस्ट बाद में हम फिर से एक बार ये जो हमें यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है यहाँ पर ये जो चेन स्टिच है, यानी कि दो डबल नीचे से दो डबल क्रोशिया के बाद हमें तीसरी चेन स्टिच में यहाँ से एक हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। फिर उसके बाद फिर वही हमें ये सिंगल डबल क्रोशिया के बाद हमें ये जो नीचे वाला है डबल क्रोशिया इसको हमने फिर नीचे से लेकर हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाया इसके जस्ट ये वाली जो चेन स्टिच है इसमें हमें एक बार ये डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। इस तरह फ्रेंड्स से भी मैं रो कंप्लीट करूँगी, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए एवरी जो हमारे पास नीचे ये डबल क्रोशिया है इनको एक बार नीचे से ऐसे हम बनाएंगे, नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया बना दिया, फिर इनके बीच में जो ऊपर यहाँ चेन स्टिच है उसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद ये नीचे से हमने ये निकाल कर एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद ये यहाँ जो चेन होती है उसके ऊपर हमने फिर से ये डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हम अपना बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब हमें वही ये जो मैंने नीचे से डबल क्रोशिया बनाया है उसके बाद मैं ये जो चेन स्टिच है ऊपर यहाँ यहाँ से फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर वही नीचे से निकालते हुए मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर वही ऊपर वाले जो चेन स्टिच में है वहाँ मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नीचे से निकालते हुए ये डबल क्रोशिया, फिर ये जो चेन थी यहाँ पर हम फिर भाई एक डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया। फिर जो स्टार्टिंग में हमने ये देखिए ये जो तीन चेन बनाई थी उसके नीचे वाली तीन चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। यहाँ पे हम अपना वर्क का ये नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, ये देखिए। अब ये हमारा ऊपर वाला चेन के ऊपर ये एक डबल क्रोशिया है जो पिछली रो में हमारा ये था, ये जो चेन स्टिच है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको इजी वे में समझाती हूँ। ये जो हमारे पास ये 24 जो डबल क्रोशिया थे नीचे इनको हमेशा हमने नीचे से ही बनाया है डबल क्रोशिया, और जो इन दोनों के बीच में जो ऊपर की तरफ ये चेन स्टिच थी वहाँ पर भी मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह ये एवरी पूरे में 24 के हमारे पास ये डबल जितने ये काउंटिंग थी यहाँ पर उससे डबल हो जाएंगी, जितने भी होंगे हमारे पास डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए अब हमें ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया इसको हमेशा ही हमने डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 ये हमारा बीच वाले राउंड का डबल क्रोशिया हो गया। ये अब हमें क्या करना, ये जो बीच में एक डबल क्रोशिया था लेकिन अब नेक्स्ट रो में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद ये जो हमने नीचे से जो डबल क्रोशिया बनाया यहाँ ये वाला, फिर हम इसको हमेशा ही नीचे से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके बाद ये जो हमारे पास एक डबल क्रोशिया है ये वाला, एक तो ये नीचे से बना होता है, इनके बीच में हमने ये एक बार डबल क्रोशिया और बनाया हुआ है, यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास देखिए, अब उसके बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसके यहाँ पर हमने फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये जो नीचे से ये हमारा डबल क्रोशिया बनता हुआ ये जो डिज़ाइन आ रहा है इसी को हमने यहाँ नीचे से निकालते हुए ये हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
फिर ये एक हमें यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ये वाली चेन स्टिच है यहाँ पर हमने एक फिर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये एक डबल क्रोशिया हमें और बनाना है इस तरीके से। फ्रेंड्स नोटिस कीजिए, ये यहाँ पर हमारा ये जो डबल क्रोशिया हम नीचे से लेते हैं इसको हम फ्रंट पोस्ट काउंट करेंगे, फ्रंट पोस्ट का नाम देंगे, ठीक है। ये जो फ्रंट पोस्ट है हमारे पास, यहाँ इन दोनों के बीच में हमारे पास एक सिंगल डबल क्रोशिया था, लेकिन सेकंड रो में हमारे पास इस डबल, ये जो फ्रंट पोस्ट वाले जो हमारे डबल क्रोशिया, उनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमारे पास टू टाइम डबल क्रोशिया है। इसी तरह हम अपनी ये वन डबल, ये हमारा फ्रंट पोस्ट का जो डबल क्रोशिया है उसके बाद हमारे पास टू टाइम डबल क्रोशिया हो गया, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम टू टाइम डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरह हम अपना ये सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी सेकंड रो के लास्ट में पहुँच गई हूँ। फिर वही, ये मैंने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, ये मेरा फ्रंट पोस्ट है। अब मैं इसको नीचे से, ये देखिए ऐसे नीचे से निकाल कर अब ये मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। फिर वही फ्रेंड्स, मैं टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक इस चेन में बनाया, एक नेक्स्ट चेन में। ये बनाते हुए यहाँ पर हमारे बीच में ये टू टाइम डबल क्रोशिया होना चाहिए एवरी फ्रंट पोस्ट में। ये फ्रंट पोस्ट मैं नीचे से बना रही हूँ, ये देखिए इनके बीच बीच में हमारे पास ये टू टू टाइम डबल क्रोशिया हुआ है। यहाँ पर ये मेरा फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ बीच में भी मेरे पास टू टाइम डबल क्रोशिया होना चाहिए। उसके लिए एक डबल क्रोशिया मैं इसमें बनाऊँगी, एक डबल क्रोशिया मैं इसमें बनाऊँगी। ये देखिए ये टू टाइम डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट है इसका मतलब ये जो मेरा यहाँ से है ये मेरा फ्रंट पोस्ट, नीचे से मैं निकाल कर इसको फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। फिर वही फ्रेंड्स, ये देखिए अब मेरा यहाँ पर ये टू टाइम डबल क्रोशिया आ गया, ये फ्रंट पोस्ट के बाद टू टाइम, इसका मतलब यहाँ पर मेरी ये रो कंप्लीट होती है। मैं इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सेकेंड रो कंप्लीट हुई। इसको मैं समझाती हूँ एक बार और आपको। ये मेरा जो फ्रंट पोस्ट है इसके सबसे पहले जब मैंने घेरा शुरू किया था बीच में एक डबल क्रोशिया आ रहा था, लेकिन फ्रंट पोस्ट, अब ये सेकेंड रो में मेरा दोनों साइड डबल, ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके बीच में टू टाइम डबल क्रोशिया है। थर्ड रो में मेरे पास ये टू टाइम जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में थ्री टाइम डबल क्रोशिया आना चाहिए। इसी तरीके से मैं अपना थर्ड राउंड यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। ये तीन चेन लेंगे भाई हम, वन टू थ्री। फिर वही, ये मेरा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये मेरा दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये मेरा तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन बार डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट, ये जो है मेरा डबल क्रोशिया, मैं अब इसको नीचे से यहाँ से निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाऊँ। फ्रंट पोस्ट को हमेशा हमने ऐसे ही बनाना है। फिर मेरा वही, ये देखिए फिर यहाँ पर ये जो फ्रंट पोस्ट हमने यहाँ पे ये बनाया इसके जस्ट यहाँ से चेन स्टिच में से हम डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा वन टाइम डबल क्रोशिया, ये हमारा टू टाइम डबल क्रोशिया, ये थ्री डबल क्रोशिया। अब हमारे पास ये देखिए, ये फ्रंट पोस्ट था, उसके बाद हमने वन टू थ्री सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हम फिर फ्रंट पोस्ट जो हमारा ये है इसके नीचे से निकाल कर हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम ये जो फ्रंट पोस्ट बनाया था इसके जस्ट यहाँ से हम ये जो चेन स्टिच है इसमें से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में हम फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू टाइम डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम नेक्स्ट चेन में तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मेरे पास ये तीन डबल क्रोशिया हो गए। फिर मैं वही लूप लेते हुए ये अपना, ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट है यहाँ से, ये देखिए इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ से
ऐसे निकालना है इसको, ये देखिए एक बार और ऐसे निकाल कर यहाँ से ऐसे बनाना है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी थर्ड रो, मैं इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी थर्ड रो के, ये जो घेरा बना रही थर्ड रो के लास्ट में पहुँच गई हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया है यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर इस चेन स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में मैं फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में मैं फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर ये देखिए ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट आ रहा है इसको यहीं, इसको बनाने के लिए यहाँ से ये नीचे से निकालते हुए ऐसे ये मेरा फ्रंट पोस्ट बन गया। ये देखिए, ये जो फ्रंट पोस्ट बना है उसके जस्ट यहाँ ये जो चेन स्टिच है यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन स्टिच में फिर डबल क्रोशिया, इस तरह फ्रेंड्स देखिए मेरा थ्री टाइम डबल क्रोशिया हो गया। और ये मेरा लास्ट में ये फ्रंट पोस्ट, इसको मैं नीचे से वही यहाँ से फ्रंट पोस्ट बना लूँगी। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास तीन बार डबल क्रोशिया होना चाहिए, वो मेरा है। देखिए मैंने जो तीन चेन बनाई थी थर्ड राउंड के फर्स्ट में, मैंने शुरू में तीन चेन बनाई थी, एक डबल क्रोशिया ये हो गया, उसके बाद ये सेकंड डबल क्रोशिया, ये थर्ड डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट। इसी तरीके से ये तीन तीन डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट बनाते हुए पूरी रो यहाँ पर ये थर्ड राउंड मेरा कंप्लीट होता है। मैं इसको ये जो तीन चेन है यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा थर्ड रो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है इस तरीके से। देखिए कि मेरा यहाँ से ये घेरा बनता चला जाएगा। अब मैं अपने घेरे की फोर्थ रो स्टार्ट करती हूँ, वही तीन चेन, 1 2 3, ये मेरा एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं यहाँ तीन बार डबल क्रोशिया था, अब मैं चार बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके लिए एक डबल क्रोशिया मेरा यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, एक ये एक मैं यहाँ बनाऊँगी। इसके लिए ये मेरे दो डबल क्रोशिया हो गए, ये मेरा तीसरा डबल क्रोशिया, ये मेरा फोर्थ डबल क्रोशिया और ये मेरा फ्रंट पोस्ट आ गया। ये देखिए फिर ये जो फ्रंट पोस्ट बना है इसके जस्ट यहाँ पर ये जो चेन स्टिच है यहाँ से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर दूसरी चेन स्टिच में मैं दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन स्टिच में मैं तीसरा डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन स्टिच में मैं फोर्थ डबल क्रोशिया। ये देखिए, उसके बाद ये फिर मेरे पास ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पोस्ट आ गया, इसको नीचे से निकाल कर ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये फ्रंट पोस्ट है। उसके बीच में मेरे पिछले राउंड में मेरे पास तीन डबल क्रोशिया थे, लेकिन इसमें फोर्थ राउंड में मेरे पास ये फोर डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपनी फोर्थ रो के लास्ट में पहुँच गई हूँ। ये देखिए, मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके बाद मैं ये फ्रंट पोस्ट के जस्ट यहाँ पर ये जो चेन स्टिच है इसमें से निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट चेन में फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेरा फ्रंट पोस्ट था, उसके बाद मैंने ये चार डबल, ये डबल क्रोशिया बनाया चार, और फिर ये मेरा फ्रंट पोस्ट आ गया। ये देखिए, मैं यहाँ नीचे से निकालते हुए ये यहाँ पर ये मैं अपना फ्रंट पोस्ट बना दूँ। ये फ्रेंड्स, मेरा फ्रंट पोस्ट बनकर तैयार है। ये देखिए, मेरे इसी के साथ मेरा ये फोर्थ राउंड जो है ये कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए मेरा, अब मेरा फिफ्थ रो स्टार्ट करते हैं यहीं से, वही तीन चेन, 1 2
टू थ्री, ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ मेरा ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फोर्थ डबल क्रोशिया एंड फिफ्थ डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फाइव टाइम डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर मेरा ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको मैं बनाती हूँ, निकाल कर नीचे से, ये डबल क्रोशिया नीचे से निकाल कर बनाया, ये मेरा फ्रंट पोस्ट हो गया। ये मेरे फ्रंट पोस्ट के बीच में फाइव डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर भी मैं वही, ये फ्रंट पोस्ट है, उसके बाद ये मेरे जो चार डबल क्रोशिया थे इसको मैं पांच डबल क्रोशिया बना दूंगी। उसके बाद ये जो है इसको मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। इसी तरीके से मैं अपना फिफ्थ राउंड कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गई हूँ। ये मेरी फिफ्थ रो है। ये देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव मैंने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद मैं फिर वही फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। ये जो ये यहाँ नीचे से निकालते हुए मैं ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद फिर फ्रेंड्स वही इसको हल्का सा जैसे ऐसे मैं करूँ, यहाँ से फिर मैं ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया, ये मैं फ्रंट पोस्ट के बीच में फाइव डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फोर डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर ये मेरा फिफ्थ डबल क्रोशिया। इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये लास्ट में ये मेरा फ्रंट पोस्ट आ गया, ये यहाँ। इस तरीके से फ्रेंड्स ये मेरे घेरे की फिफ्थ रो कंप्लीट हुई। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूँगी। ये मेरे फाइव, ये मेरे घेरे की फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से मैं अपनी सिक्स रो बनाऊंगी। इसमें ये मेरे फाइव टाइम डबल क्रोशिया थे फ्रंट पोस्ट के बीच में, लेकिन नेक्स्ट रो में मैं अपने सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके लिए मैं फिर वही थ्री चेन्स, टू डबल क्रोशिया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। और इस देखिए, ये मेरा सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद फिर भाई ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको मैं यहाँ नीचे से निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बना दूँ। इस तरह ये मेरा फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर वही इसको हल्का सा ऐसे मैं खींचती हूँ, तो यहाँ से मेरे ये जो फर्स्ट चेन है इसमें मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी तरह मैं अपना ये पूरा रो कंप्लीट करूँगी, लेकिन यहाँ पर हर एक फ्रंट पोस्ट के बीच में मेरी सिक्स रो में मेरे सिक्स डबल क्रोशिया होने चाहिए। इसी तरह मैं अपनी रो पूरी कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी ये सिक्स रो के लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया बना लिया। अब मेरा ये जो फ्रंट पोस्ट पे मैं पहुंच गई हूँ, इसको मैं बनाकर, ये देखिए अब ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं ये जो थ्री चेन्स थी यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ अपना ये वर्क कंप्लीट कर, देखिए फ्रेंड्स ये मेरा घेरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब मैं अपना ग्रीन कलर का जो वर्क है, ये फ्लावर्स और ये ग्रीन कलर का जो वर्क है, अब ये मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी ये ग्रीन कलर से वर्क स्टार्ट करूँगी। उसके लिए यहाँ पर मैं एक सिंगल स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिंगल स्टिच यहाँ पर बना लिया। उसके बाद यहाँ से मैं टू स्किप करूँगी,
टू चेन, वन टू, ये थर्ड में हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में हम दोबारा से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्रेंड्स हम टू चेन लेंगे, फिर इसी में हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर टू टाइम हम यहाँ स्किप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम फिर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम टू टाइम यहाँ से स्किप करके थर्ड में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये टू टाइम डबल क्रोशिया, टू चेन, फिर इसी में हम दोबारा से फिर टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल चेन, फिर यहाँ से टू स्किप करने के बाद थर्ड चेन स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर टू चेन बनाई, टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ से हम ये जो नीचे हैं यहाँ टू स्किप करते हैं, थर्ड में हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल चेन ली, नीचे हमने टू टाइम ये चेन स्किप की, थर्ड में हमने ये सिंगल स्टिच बनाया, फिर एक हमने चेन ली, यहाँ टू टाइम ये टू चेन हमने स्किप की, उसके बाद हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, टू चेन ली, फिर टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल चेन, फिर एक सिंगल स्टिच, इस तरह हम आगे अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने सेवन्थ रो के लास्ट में पहुंच गई हूँ, ये मैंने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, इससे पहले मैंने टू यहाँ पे स्किप किए थे, ये टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद मैंने ये यहाँ पर ये टू चेन बनाई, टू चेन बनाने के बाद मैंने फिर इसी डबल, ये जो टू टाइम डबल क्रोशिया, इसी में हमने फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हम एक सिंगल चेन लेंगे और यहाँ पे हमारा जो ये सिंगल स्टिच था, ये सिंगल क्रोशिया जो बनाया हुआ है हमने, इसके अंदर हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे अपना ये ग्रीन कलर कंप्लीट कर, यहाँ से हम कट कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सेवन्थ रो कंप्लीट हुआ, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सेवन्थ रो ग्रीन कलर की कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर अपना वर्क शुरू करूँगी, यहाँ पर मैं फ्लावर्स बनाना शुरू करूँगी, इसके लिए मैं अपना ये मजेंटा कलर अपना यहाँ से ये ज्वाइंट कर रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना मजेंटा कलर यहाँ ज्वाइंट कर दिया है, ये मैंने यहाँ पर मेरी ये इसे ही मैं या तो सिंगल स्टिच बना लो यहाँ पर, ये अब मैंने ज्वाइंट करने के चक्कर में यहाँ पे दो ये टू चेन बनाई है, अब यहीं से मैं नीचे से घुमाते हुए यहाँ पर ये सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बना लिया, अब हमें क्या करना है, ये लूप लेते हुए मैं ये जो यहाँ पर हमने टू टाइम ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये टू टाइम हमारा जो डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ से अब मैं थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ये टू और ये थ्री, इसी तरह हम ये जो साइड ये वाला हमारा
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने ये 6 डबल क्रोशिया इसमें बनाया, 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाया, अब हम यहाँ पर ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया इसके नीचे से निकालते हुए 3 टाइम डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। उसके लिए हम ऐसे घुमाएंगे, ये हम लूप लेंगे, ये हम लूप लेंगे, इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निकालते हुए हम अपने ये 3 टाइम डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया यहाँ से निकालते हुए हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस तरह ये हमारे टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। 6 हमने यहाँ बनाए थे, 3 इधर बनाए, 3 इधर बनाए, हमारे ये 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो लास्ट वाला हमारा ये चेन है, ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी जो लास्ट वाली हमें चेन है डबल क्रोशिया से पहले, उसमें से जाकर हम यहाँ पर ऐसे लूप निकालते हुए एक सिंगल चेन बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्लास तैयार हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ यहीं से हम 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 चेन बनाकर फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है हम इसी के अंदर से निकालते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बना देंगे। ये देखिए, फिर हम 3 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3। ये 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, ये 2 चेन बना दिए हमने। फिर यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री, 4, 5, 6। देखिए फ्रेंड्स, हम 3 डबल क्रोशिया, ये जो पहला वाला हमारे पास ये डबल क्रोशिया इसमें से निकाल कर, और ये वाला इसमें से निकाल कर, इनमें से हम 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 डबल क्रोशिया हमने इस वाले में से बनाए। अब ये जो डबल क्रोशिया है, अब हम इसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा लेंगे, ये लूप लेते हुए 3 डबल क्रोशिया हम इस वाले डबल क्रोशिया के नीचे से निकालते हुए हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे पास अब ये जो यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी इसके लास्ट वाली चेन में हम यहाँ से निकालते हुए ये एक चेन यहाँ पे एक चेन बना देंगे। ठीक है, ये अब इसके बाद ये यहाँ पर ये जॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम 6 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स, ऐसे हम इसको लेकर ये जो हमारा सिंगल स्टिच है इसमें हम एक सिंगल स्टिच इसके नीचे अंदर से यहाँ से निकालते हुए हम एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारे ये आगे हम सारे फ्लावर्स जितने भी फ्लावर्स हैं हम पूरी रो इसी तरीके से हम अपनी कंप्लीट करेंगे। 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5।
सिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सिक्स डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए, उसके बाद मैं ये लूप लूँगी। लूप लेने के बाद यहाँ नीचे से इस डबल क्रोशिया के नीचे से निकालते हुए हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थ्री टाइम डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद अब यहाँ ये वाला जो डबल क्रोशिया, इसको घुमा लेंगे, यहाँ से इस अपने वर्क को घुमा लेंगे। ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से निकालते हुए हम थ्री टाइम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमने तीन चेन बनाते हैं, हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद जो हमने चेन बनाई थी, चेन बनाने के बाद चेन के यहाँ से ये लास्ट वाली चेन से निकालते हुए हम इस लूप को ये एक चेन बना देंगे यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चेन यहाँ पर हमने, ये हमारा फ्लास कंप्लीट हुआ। फिर हम वही सिक्स चेन बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये सिक्स चेन बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, लास्ट में जो सिंगल क्रोशिया हमने ये बनाया था स्टार्टिंग में, हम यहाँ पर जाकर इसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा सिंगल क्रोशिया बना। फिर यहाँ पे मैं थ्री चेन बनाऊँगी, वन, टू, थ्री। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वर्क कंप्लीट हुआ। इसे मैं यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ से कट करके ये मेरा यहाँ पर मेरी ये रो कंप्लीट हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेरे सारे फ्लावर्स ये बन गए। अब मैं अपना आगे का रो स्टार्ट करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आगे का रो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आठ बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना एट टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो हम सिंगल स्टिच से यहाँ पे ज्वाइंट करते थे, उसके बाद तीन चेन लेते थे, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर वही हम ये जो हमारे फ्लावर्स के पीछे हम चेन बनाते थे, ये वाली चेन यहाँ से निकालते हुए हम एट टाइम आठ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन,
एट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एट टाइम, ये आठ बार ये डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद हम ये जो सिंगल स्टिच यहाँ बनाते थे, इसके यहाँ से निकालते हुए हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर भाई ये जो फ्लावर्स कंप्लीट होता है, उसके यहाँ जो चेन बनाते हैं उसमें हम फिर एट टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी सारी रो इसी तरह मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गई हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने एक सिंगल स्टिच बना, सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद मैं ये जो फ्लावर्स बना रखा है, इसके पीछे जो हमने चेन बनाई थी सिक्स, इसमें हम आठ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 16 डबल क्रोशिया हो गए। 7, 8, ये देखिए मेरा 8 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। और वही मैं यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इसे स्लिप स्टिच से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया। एक चीज लास्ट में, ये जो ऊन हमारी रह जाती है, आप इसको टर्न करके यहाँ कहीं यहाँ से निकालते हुए, ये इस ऊन को कहीं पे भी आप पीछे की तरफ ऐसे निकाल दीजिए, ताकि ये आगे की तरफ दिखाई ना दे। और जो एक्स्ट्रा ऊन हो आप उसको यहाँ से कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इधर ज्वाइंट कर दी थी इनको, आप एक्स्ट्रा उनको आप ऐसे कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मेरी ये ग्रीन कलर का जो वर्क है ये मेरा कंप्लीट हुआ। ये देखिए, अब मैं येलो कलर से यहाँ पर, फिर जहाँ हमने अपना वर्क ये ख़त्म किए, यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। येलो कलर से यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैं येलो कलर ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने येलो कलर यहाँ ज्वाइंट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने थ्री चेन बनानी है। 1, 2, 3। थ्री चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है हमने बनाए थे एट टाइम, इनके बीच में से निकालते हुए हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थ्री चेन, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के यहाँ अंदर से, यहाँ से निकालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3। यहाँ भी फ्रेंड्स वैसे ही हमने 1, 2, 3, ये हमने यहाँ पे ये जो सिंगल स्टिच बनाया था, यहाँ पर भी हम इसके नीचे से निकालते हुए एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। फिर वही हमने ये थ्री टाइम डबल क्रोशिया, ये थ्री टाइम चेन बनाकर, ये जो हमने यहाँ
डबल क्रोशिया बना रखे हैं, इनके अंदर से आप निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमने अपनी ये पूरी रो इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी लास्ट रो है, ये हमने इसी तरह ये पूरी कंप्लीट करनी है। एक चीज़ और, ये फ्लावर्स बनाते टाइम थोड़े अंदर चले जाते हैं, बाद में आप इसको ऐसे थोड़ा ऐसे कर देंगे। ये तो पूरी अपने, ये देखिए ये पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुंच गई हूँ। जितने भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं या सिंगल स्टिच बनाए, इनके बीच में से निकालते हुए हम एक पहले 3 चेन बनाएंगे और इनके बीच में से निकालते हुए हम एक एक डबल एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 3 चेन के बाद ये सिंगल क्रोशिया, फिर वही 3 चेन, 1 2 3 एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के लास्ट पर पहुंच गई हूँ। अब वही 3 चेन बनाकर ये हमारी 3 चेन बन गई। अभी यहाँ इसे अब लास्ट में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा ये वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम इसे उनको यहाँ से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ये यहाँ वर्क ये मेरा कंप्लीट हुआ मेरा ये देखिए। अब मैं अपना गले का वर्क स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं अपनी ड्रेसेस को बैक ओपन रखती हूँ, इसलिए मैं पीछे डोरी बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ग्रीन कलर से गले का वर्क शुरू करूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पर एक डोरी बनाने के लिए यहाँ 20 चेन बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जितनी आपको डोरी रखनी है यहाँ पर पीछे बांधने के लिए, उतनी आप डोरी रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा ये ड्रेस है, जैसे ये यहाँ ये बैक रखना है, तो यहाँ से इस साइड से हम अपना काम शुरू करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इसे ये पहली चेन स्टिच में जाके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये हम लूप निकालते हुए एक चेन बना देंगे। देखिए, फिर हम एक चेन बनाएंगे। इसी तरह हम एवरी चेन स्टिच, जितने भी ये चेन स्टिच यहाँ पर बनी हुई हैं, इनके बीच में से निकालते हुए हम इसमें से, ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे पास ये चेन स्टिच हैं, इनके बीच में से निकालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर वही एक चेन लेंगे, फिर ये सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह फ्रेंड्स, हम अपनी ये गले कवर के ये इसी तरह हम यहाँ पर
ये पूरा रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के लास्ट में पहुंच गई हूँ। एक चेन बनाकर मैं ये लास्ट चेन स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये सिंगल क्रोशिया बन गया, ये मेरा गले का वर्क पूरा हुआ। यहाँ पे फिर मैं पीछे बांधने के लिए फ्रेंड्स ये चेन बना दूंगी। ये देखिए, देखिए मेरा ये गले का वर्क पूरा हुआ, ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह फ्रेंड्स ये मैं अपना ये जो यहाँ पर ये जो मैंने ये बाजू हैं यहाँ पर, हम इसी तरह से यहाँ पर भी वर्क कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी ड्रेस कंप्लीट कर ली है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, इस ड्रेस में मैंने ये देखो छोटा सा फ्लास भी बनाकर लगाया है। ये देखिए छोटा सा फ्लास कितना सुंदर लग रहा है ये। और मैंने जैसे गले पे वर्क किया था उसी तरीके से मैंने ये यहाँ पर बाजुओं पे भी वर्क कर दिया। और मैंने इसको ये छोटे छोटे पेस्टिंग स्टोन्स आते हैं इनसे मैंने इसको डेकोरेट किया है। या तो आप कोई मोती लगा सकते हैं, या कोई पेस्टिंग पर्ल्स आते हैं पर्ल्स लगा सकते हैं, या अपनी पसंद का। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आते हैं, इसमें से ही आप इस तरीके से ही आती हैं स्ट्रिप्स। आप इसको ऐसे लगा भी सकते हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे आप प्रेस कर दोगे तो ये चिपक जाएंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए, अगर आपको ज़रा भी मेरी ड्रेस पसंद आती है, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।